Okay. ओके गौतम, सबसे पहले तो ट्रेलर हमने देखा, बहुत ही ज़्यादा फैबुलस लगा हमें, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप कुहर के दिख के सामने आ रहे हैं ऑपरेशन को, आप इसके बारे में हमें कुछ बताइए। जी मैं बहुत खुश हूँ कि सबसे पहली बात आपने जैसे बोला आपको ट्रेलर बहुत पसंद आया, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि लोगों को ट्रेलर में ही काम मेरा अच्छा लग रहा है कि दैट आई एम परफॉर्मिंग वेल। सो इट्स जस्ट वुड लाइक टू से थैंक यू सो मच। ओके सर, ऑपरेशन कोबरा की बात करी है तो किस तरीके की सीरीज होने वाली है उसके बारे में कुछ जानना चाहूँगा। बेसिकली दिस गाय इज अ रॉ एजेंट एंड you will get to see him solving a mission in the movie. So basically thoda sa funny hai, thoda sa tough hai, aur at the same time very serious and badass, that he will just kick your ass. At the same time, like, you know, he'll straight away kill you, like he'll just straight away, like will be having a gun in his hand all the time and gonna just shoot you. He won't talk to you much. तो कैरेक्टर इज़ लाइक दैट। तो बेसिकली थोड़ा एक्शन है, थोड़ा सा रोमांस इसमें थोड़ा सा कम है। रोमांस में जैसे घुसने लगता है तो उसी टाइम बाहर आ जाता है कि नहीं 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 इसमें नहीं जाना, क्योंकि फोकस टूट जाएगा, मिशन करना है। तो बेसिकली ये तो आपको उस मिशन से रिलेटेड आपको इसमें, और टेररिस्ट से रिलेटेड, देश से रिलेटेड थोड़ा आपको दिखेगा ऑपरेशन कोबरा में कि किस तरीके से ये मिशन सॉल्व करता है एंड ऑल। तो थ्रिलर है तो आपको मजा आएगा देखने। ओके सर, इसी के साथ में कितनी तैयारी करनी पड़ी जिस तरीके से आपने बोला कि एक ही कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा वैरायटी है। हाँ बहुत सारी वैरायटी है, बहुत कलरफुल कैरेक्टर है, रोमांटिक भी है, एक्शन है, सेम टाइम पे मतलब। तो कितना आपको मतलब तैयारी करनी पड़ी, कितना चैलेंजिंग था ये? इसी में जाने से पहले मैं जब गया था लंदन यहाँ से, तो मैं एक महीना वहाँ पे था, तो मैं ट्रेनिंग करता था। आई यूज टू सिट इन अ ट्यूब लाइक इन अ ट्रेन ओवर देयर। आई यूज टू लाइक अ फ़ोन ऑफ हो जाता है ट्रेन में आपका, तो मैं उसकी वहीं पे प्रैक्टिस करता था। मुझे बहुत अच्छे आइडियाज़ आते थे ऐसे टाइम पर। तो ऐसी एक जगह आपको चाहिए होती है जब आप, इफ़ यू आर अ परफॉर्मर, यू नीड अ प्लेस वेयर देयर इज़ अ लॉट ऑफ शांति, और मे भी शांति नहीं भी हो तो फ़ोन नहीं चलना चाहिए आपका ऐसे में, वरना आपका माइंड डाइवर्ट होता है, आप फ़ोन चेक करते हो। तो मैं ऐसी जगह पर जाता था जहाँ मेरा फ़ोन यूज़ में ना आए मेरे पास, तो एक दो घंटा ट्रेन में बैठ जाया करता था। आई डोंट नो वेयर आई एम गोइंग। और पढ़ते पढ़ते फिर इतने अच्छे आइडियाज़ आते थे दैट द स्क्रिप्ट वॉज टोटली मेरे जहन में बस गई थी स्क्रिप्ट। तो मैं उसके साथ कैरेक्टर में इतना ज़्यादा आ गया तो मैं खेलने लग गया था। और फिर डायरेक्टर साहब के साथ बैठता था, पूरा सीन उनसे सीखता था कैसे करना है क्या है, तो हम लोग डिसाइड करते थे, देन वी यूज्ड टू शूट एट द सेम टाइम। और सर कई बार ऐसा होता है कि मतलब एक कैरेक्टर में घुसने के बाद में फिर मतलब पर्सनली भी फिर एक इंसान वैसे हो जाता है कि, और कितना मुश्किल होता है एक किरदार से दूसरे किरदार में आने के लिए, क्योंकि रिसेंटली हमने आपको काफ़ी सीरियल्स में देखा, जो बिग बॉस में देखा, बिग बॉस तो चलो काफ़ी हद तक रियल है, और ऑफ कोर्स लाइक बिग बॉस में कुछ ऐसा आपको एक्टिव रहना पड़ता है बिग बॉस में, पर बिग बॉस इज़ अ रियलिटी शो। सीरियल्स जो मैंने कई टीवी शोज पहले मैंने किए हैं उसमें कैरेक्टर आई यूज टू प्ले, जैसे एक मैंने वो एक राजकुमार राव की मूवी आई थी, वो बहन होगी तेरी, नहीं वो तो उसमें तो लाइक वो हमने साथ में की थी, बट बरेली की बर्फी में वो साड़ी वाला प्ले करता है ना, तो आई प्लेड अ साड़ी वाला इन दैट टीवी शो लाइक सम दिया और बाती अर्लियर लॉन्ग टाइम बैक। तो ऐसे कई रोल्स मैंने पहले जैसे किए हैं, तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है, कॉमेडी एंड एवरीथिंग, तो आई यूज टू रिलेट टू दैट। बट अब ये थोड़ा मेरे लिए टोटली डिफरेंट है, दिस इज़ समथिंग वेयर आई हैड टू वर्क रियली हार्ड एज वेल एट द सेम टाइम। I used to sit with the director to learn new things. तो मुझे अच्छा लगता है अगर आप कुछ नया सीखो और उसको पर्दे पर दिखा सको लोगों को, तो उसकी फीलिंग अलग है। ओके, एजेंट का किरदार प्ले कर रहे हैं जिस एग्जाम्पल में, तो कुछ रेफरेंस लिए आप? बिल्कुल, उसके बारे में बताइए। बिल्कुल, जैसे कि मैं आई यूज टू वॉच लाइक बॉन्ड मूवीज, जबकि हमने प्रॉपरली वैसा नहीं किया, क्योंकि हम प्लेन नहीं कर सकते, यू नो दोज गाइज दे आर वेरी सीरियस इफ दे आर परफॉर्मिंग, एंड सो दे लाइक डू इट इन अ वेरी सटल वे एंड स्टफ लाइक दैट। दे डोंट हैव सॉन्ग्स, दे डोंट हैव यू नो स्टफ लाइक दैट, तो उनकी स्टोरीज भी बड़ी अलग तरीके की होती हैं। तो यहाँ हमें थोड़ा सा मसाला दिखाना होता है, तो पूरा वैसा नहीं प्ले किया है, बट ये कि थोड़ा सा कैरेक्टर सटल होता था कई जगहों पर, और कई जगहों पर जहाँ मुझे लगा कि हाँ अभी लिबर्टी है
इस कैरेक्टर के साथ थोड़ी मस्ती करने की, तो वहाँ मैं आई वॉज टोटली इन टू द कैरेक्टर दैट आई यूज टू हैव सम फन. सो इफ यू सी द इफ यू सी ऑपरेशन कोबरा यू विल गेट टू सी दैट ओके लाइक यहाँ कुछ डिफरेंट था या यहाँ कुछ डिफरेंट है, बट कैरेक्टर से बाहर नहीं किया, उसको पकड़ के रखा एंड तक. ओके और एक्शन वैक्शन भी काफ़ी है जिस तरीके से मिलेगा, मार धाड़ भी हो रही है, तो उसके लिए कोई अलग से कुछ ट्रेनिंग? बिल्कुल ट्रेनिंग की, बट स्टार्टिंग में ट्रेनिंग बॉक्सिंग की और कई चीज़ों की थी, और एट द सेम टाइम कई चीज़ें बैक टू बैक हाथों हाथ की हमने, जैसे कि वहीं जैसे अभी सिखा रहे हो आप मुझे कुछ और वहीं के वहीं करना है, क्योंकि टाइम नहीं होता था हमारे पास ज़्यादा. अब वहाँ ठंड इतनी ज़्यादा थी, -1 में शूट करना है, और तो उसके लिए रिहर्सल्स के भी कई बार जब आप फ्लोर पर जाते हो टाइम नहीं मिलता है, तो आपका दिन ख़राब होता है. वहाँ पर डे लाइट बहुत जल्दी, लाइक दिन में 3 बजे अंधेरा हो जाता है, 4 बजे अंधेरा हो जाता है लंदन में, तो उस टाइम पे हमें इस चीज़ की तकलीफ़ होती थी, तो हम सुबह 7 बजे उठ के शूट पे जाते थे. तो ऐसे में टाइम नहीं है, आपको पता है लाइट जाने वाली है, आपको के यू हैव टू लाइक स्ट्रेट अवे लर्न एट द सेम टाइम एंड शूट. तो इस तरह के से हम लोग सर पहले से जिस तरीके से हम देखते हैं कि आपको लंदन जाना ही बहुत पसंद है, फिल्म की शूटिंग भी लंदन में हुई है. मेरे घर है लंदन में, मैं लंदन भी रहता हूँ थोड़ा थोड़ा, और मेरी कंपनी वहाँ पे है जो मेरा फैशन ब्रांड है, इट्स कॉल्ड स्टाइल बाय जीजी. सो माय फैशन कंपनी इज़ ओवर देयर, सो आई हैव 3 ब्रांड्स अंडर माय नेम. तो बेसिकली अब उसका शूट भी करना होता है, आई एम द ब्रांड फॉर दैट, सो आई हैव टू शूट इट. तो अब मुझे और ज़्यादा जाना पड़ेगा, हर 15-20 दिन में एक चक्कर लगाना पड़ेगा ताकि मैं 10 दिन शूट करूं, फिर वापस आऊं. और यहाँ पे अगर मैं कुछ साइन करता हूं कुछ नेक्स्ट, अच्छा एक फिल्म मैंने की हुई है उसका गाना शूट करना है, और इस फिल्म बाय जी स्टूडियो, सो इट इज़ कमिंग आउट लाइक इन अप्रैल, बट इफ़ आई साइन समथिंग एल्स सो देन आई हैव टू जस्ट कम हियर एंड गो बैक शूट, कम हियर शूट, और मे बी इफ दे शूट समवेयर एल्स, दिस इज़ हाउ आई हैव टू रन. ओके सर, जिस तरीके से आपने प्रोडक्ट के बारे में बताया उसके बारे में कुछ बताइए कि किस तरीके का प्रोडक्ट है स्टाइल्ड बाय जीजी. स्टाइल्ड बाय जीजी इज माय ब्रांड नेम, एंड मैंने अभी तीन ब्रांड को अपने नाम के अंडर में साइन किया है. एक का नाम है डस्ट ऑफ गॉड्स, उसकी वो सिर्फ जैकेट का बहुत, देर इज़ एन आर्किटेक्ट इन कैनेडा, इज़ अ वेरी टैलेंटेड गाय, ही हैज़ डिज़ाइन कपल ऑफ नाइट क्लब्स इन लंदन and a lot many big palaces and stuff like that everywhere. So he's a very big guy in Canada. His name is Antonio. Very, very talented guy. तो उसका passion है jackets बनाने का, तो वो limited edition jackets बनाता. तो I am his brand partner, so मेरे पास India और UK की exclusivity है, तो I am taking care of that brand. And there is another brand called Judah Saint. That this brand is from UK, London. तो उसकी इंडिया एक्सक्लूसिविटी मेरे पास है. एंड देर इज़ अनदर ब्रांड कॉल्ड हैबिट बॉक्स, विच इट्स लाइक अ स्मॉल बॉक्स वेयर इट हैज़ कपल ऑफ बुक्स एंड फ्यू थिंग्स. जैसे आपकी कुछ आदतें लाइफ में ख़राब हैं या फिर कुछ बैड हैबिट्स हैं आपकी, अगर आप उसमें छोटी छोटी चीज़ें पढ़ेंगे, छोटी छोटी बुक्स हैं, कई बार बड़ी बुक्स आप पढ़ते नहीं हो, आप छोड़ देते हो बीच में, वो आप पढ़ सकते हो. तो डेफिनेटली ये जो कॉन्सेप्ट था, एक जो दिस गाय हिज नेम इज़ ऑल्सो गौतम, ही केम अप टू मी विद दिस कॉन्सेप्ट दैट आई हैव अ हैबिट बॉक्स, आई वॉन्ट टू प्रेजेंट इट टू पीपल, विल यू हेल्प मी. सो आई सेड शो मी वॉट इट इज़ ऑल अबाउट, एंड आई कैंड लाइक द कॉन्सेप्ट. इट हैज़ अ स्मॉल स्टैचू ऑफ बुद्धा एंड फ्यू थिंग्स. वेन आई रेड इट आई वॉज लाइक ओके, यू कैन कंट्रोल ऑन योर हैबिट्स, यू कुड चेंज. सो टू इंस्पायर पीपल, to change people, I thought let me collaborate with this brand also. So these 3 brands right now is, they are in my kitty, and I'm like very happy that I've set up my company in UK, and I'm presenting these brands to India and Asia. Okay sir, isi tarike kis tarike se available hogi wo products agar India mein hai? Online ka zamana hai aaj ke time pe, aur I am being followed by 2.7 million followers everywhere, so स्ट्रेट अवे उनके पास तो उनको देखने को मिलता है कि दैट आई एम प्रेजेंटिंग दीज ब्रांड्स, एंड अ लॉट मैनी पीपल दे मैसेज मी, दे लाइक माई स्टाइल एंड स्टफ लाइक दैट. तो मैं इसके बाद और भी 1-2 ब्रांड और भी लेके आने वाला हूँ, जैसे मैं अपना मेरे माइंड में है 1-2 ब्रांड और अच्छे लेके, बट आई एम ओनली गोना प्रेजेंट लिमिटेड एडिशन थिंग्स टू पीपल, जो कुछ बहुत कॉस्टली होंगी, कुछ उस हिसाब से चीप होंगी जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं,
एंड बट जो भी चीज़ें मैं प्रेजेंट करूँगा आई थिंक पीपल विल लव इट। ओके सर, इसके साथ में फिल्म की बात करते हैं, फिल्म में एक डायलॉग है सर, मेरी स्माइल है जॉन अब्राहम की तरह दिखता हुआ शर्ट की तरह, पर्सनली अगर बात करिए तो आप किसको फॉलो करते हैं? मैं एक्चुअली यू नो जब मैं स्कूल में था तो मैं जॉन अब्राहम और सलमान सर को दोनों को बहुत पसंद करता था उस टाइम से, तो दोनों के पोस्टर्स मेरी वॉल पर होते थे, तो मैं स्कूल से भी आता था उनके पोस्टर्स देखता रहता था कि यार मुझे ना ये सलमान खान जैसा बनना है, यार मुझे ना ये जॉन अब्राहम जैसा बनना है। सो आई यूज़ टू एडमायर देम सो मच, इवन टिल टुडे आई रियली लाइक देम। बट क्या होता है जब आप खुद बड़े हो जाते हो यार, आप व्हेन यू ग्रो अप तो देन यू बिकम अ बिट, देन वो आपका बचपना थोड़ा सा ख़त्म हो जाता है, तो यू बिकम अ बिट मैच्योर्ड एंड व्हेन यू सी देम यू कॉन्ट बिहेव लाइक अ चाइल्ड। तो व्हेन आई मेट सलमान सर तो मैं बचपना मैं जब भी देखता हूँ तो गले लगा लेता हूँ उनको, बट एट द सेम टाइम मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ उनको उस तरीके से जैसे मैं अभी कर पा रहा हूँ। उनको नहीं पता मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, चाहे उनसे मिलना नहीं होता, बट आई हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर हिम एंड जॉन अब्राहम इन माई हार्ट। एंड जॉन को मैंने कभी एक आध बार मिला हूँ, बट आई जस्ट लुक्ड एट हिम लाइक दैट एंड आई नेवर एक्सप्रेस्ड माई लव टू हिम दैट ओके मैन दैट आई यू नो आई बीन फॉलोइंग यू सिंस माई चाइल्डहुड। तो बट इट्स अ गुड फीलिंग दैट आई एम इन द सेम इंडस्ट्री एंड सम हाउ बिकॉज ऑफ दीज पीपल आई गॉट इंस्पायर्ड एंड एबल टू इवन लुक अ बिट वन पर्सन लाइक देम इज फाइन दैट एटलीस्ट आई एम समवेयर। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने मेहनत की और मैं भी फिल्में कर पा रहा हूँ, मैं भी काम कर पा रहा हूँ, चाहे थोड़ा स्लो नॉट लाइक देम बट आई पर्सनली बिलीव आई गॉट इंस्पायर्ड बाय देम एंड आई होप मैं किसी की इंस्पिरेशन इन फ्यूचर बनूँ। ओके सर, इसी के साथ में काफ़ी समय के बाद में आप एक फिल्म लेकर आ रहे हैं, वेब सीरीज लेकर आ रहे हैं, सो सर ये कह लिया जाए कि आप बहुत ज़्यादा चूजी आपको काम के लेकर या तो फिर किस क्या आपको वो क्वालिटीज नहीं मिलती हैं कि इसलिए आप फिल्में कम करते हैं? यार मैंने ना एक फिल्म की थी एक फेस्टिवल के लिए, कैन फिल्म फेस्टिवल, तो मुझे वहाँ जाके ना एक अलग लेवल की फीलिंग आई थी और मुझे रातों रात मैं वहाँ चला गया था, मेरी फिल्म सेलेक्ट हो गई। इट वॉज़ अबाउट अ गाय हुज मदर हैड गॉटन रेप्ड, तो वो रिवेंज रिलेटेड लाइक कि वो कैसे अपनी माँ की रेप का बदला लेता है, तो वो फिल्म मेरी वहाँ पे सिलेक्ट हो गई थी फेस्टिवल में, तो मुझे वहाँ जाने का मौका मिला, रेड कारपेट पे मैं गया। तो उस दिन के बाद से मुझे फीलिंग आई कि आई वॉन्ट टू शूट स्टोरीज लाइक दैट इन फिल्म फॉर्मेट। तो मैं उस टाइम टीवी कर रहा था, कई सालों से कर लिया था, 5-6 साल हो चुके थे, तो मेरा माइंड स्ट्रेट अवे चेंज हो गया। मैंने कहा यार आई नीड टू स्ट्रगल अ बिट फॉर मूवीज़ एंड हर नया काम डिफरेंट काम करने के लिए आपको स्ट्रगल करना ज़रूरी है, आप कीजिए, बिल्कुल कीजिए, स्ट्रगल इज़ नेवर बैड। इफ़ समबडी सेज हो गया यार ये तो स्ट्रगल कर रहा है कुछ, ऑफकोर्स मुझे किसी चीज़ की लाइफ में कमी नहीं है स्ट्रगल पर, स्ट्रगल फिट भी करना ज़रूरी है क्योंकि इफ़ यू गो थ्रू स्ट्रगल दैट्स हाउ यू रीच टूवर्ड सक्सेस। तो मैं पर्सनली शॉर्टकट मारने वाला बंदा नहीं हूँ, मुझे लगा कि हाँ ये मैं चलो शो जीत गया, एवरीथिंग इज़ फाइन, लॉट मेनी पीपल आर विशिंग मी ओके, दे आर सेइंग गुड लक एंड एवरीथिंग लाइक कमिंग टू मी, बट आई न्यू इट सक्सेस इज़ देयर बट आई वॉन्ट टू चूज़ माई स्ट्रगल। तो मैंने फिर स्ट्रगल का रास्ता चूज़ किया और मैंने वेट किया, फाइनली माई, अब आपको मेरा ट्रेलर पसंद आया, आपको मेरा काम पसंद आया, मे बी यू कैन सी कि यार आई कुड डू समथिंग बेटर समवेयर इफ़ आई गेट अ ग्रेट फिल्म मेकर, somebody else, a great team, a better team, तो शायद maybe I might come up with something else. तो मेरी वही सोच है कि मैं चूज़ ही नहीं हूँ ज़्यादा इस मामले में, बट मुझे ऐसा लगता है कि काम अच्छा मिलना चाहिए, क्वालिटी वाला होना चाहिए और अच्छे से वो रिलीज़ हो जाए और लोगों को कुछ डिफरेंट देखने को मिले, क्योंकि टी वी शोज़ मैंने बहुत सारे किए हैं कि अभी कुछ डिफरेंट करने का मूड रहता है मेरा। उस के साथ में और किस तरीके की फिल्में हैं जो आप करना चाहते हैं? अभी तो एक फिल्म मैंने थोड़ी सी कॉमेडी की है, इसके बाद उसका नाम अभी डिसाइडेड नहीं है और उसका अगले महीने में गाना शूट कर रहा हूँ। इट्स अ फिल्म बाय जी स्टूडियोज एंड उर्वशी रौतेला इज़ प्लेइंग माय अपोजिट मी, शी इज़ द एक्ट्रेस एंड इन द मूवी एंड तो उसका आप शूटिंग कंप्लीट हो गई है, बहुत फ़नी है मूवी, फील सी तो टोटली डिफरेंट कैरेक्टर है। इफ़ आई एम प्लेइंग एन एजेंट इन दिस वन तो उसमें अगर आप देखेंगे तो आप कहोगे यार ये कैसे बात कर रहा है,
आप कहोगे अरे टोटली अलग ही एकदम, आई एम प्लेइंग खिसका हुआ लड़का उसमें, इफ़ यू विल सी माई वे ऑफ टॉकिंग, मैं ऐसे बात नहीं करता हूँ, तो मुझे वो बात करने का तरीका पकड़ने के लिए मुझे डायरेक्टर के साथ में फुल टाइम बैठ जाता था, आप मुझे सिखाइए, क्योंकि उनका डायरेक्टर का कोई दोस्त हुआ करता था वैसा, जो वैसे बात करता था, तो ही वॉन्टेड मी टू प्ले दैट कैरेक्टर, तो मैं बिल्कुल मेरी बोली वैसे नहीं थी, तो आई टू सिट विद हिम फुल टाइम कि आप मुझे सिखाइए कि मैं क्या किस तरीके से करूँ. जब उनको लगा यार इसने तो पकड़ लिया कैरेक्टर को, देन आप मुझे बस लाइनें दो, आई विल जस्ट टॉक लाइक दैट कैरेक्टर, सो इट वॉज दैट ईजी फॉर मी. तो मुझे मज़ा आया वो शूट करने में, अगर आप देखोगे आपको भी मज़ा आएगा. कई सीन्स ऐसे होते थे कि कैमरा मैन और ये लोग बस हंस हंस के वहीं गिर जाते थे. कई सीन्स ऐसे हमने शूट किए हैं उसमें, मुझे अभी भी याद आ रहा है. तो आप वेन एवर इज गोना कम आउट यू विल डेफिनेटली लाफ, यू विल बी लाइक व्हाट इज दैट, इट्स डिफरेंट. ओके सर, वैलेंटाइन डे भी आ रहा है, आप किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं वैलेंटाइन डे अगर आपके? यार मैं तो सिंगल हूँ यार, और अभी ऐसा कोई सीन नहीं है, तो आई कैन ओनली विश ऑल द पीपल आउट देयर व्हूएवर इज इन लव विद ईच अदर, सो आई वुड से आई वुड टेल ऑल द गाइज ओवर देयर टू टेक केयर ऑफ योर गर्लफ्रेंड्स, टेक केयर ऑफ योर वाइफ्स, टेक देम आउट फॉर डिनर्स एंड जस्ट टेक केयर ऑफ देम इन अ नाइस वे, गिव देम फ्यू नाइस प्रेजेंट्स एंड उनका ख्याल रखिए, उनके लिए अच्छे गिफ्ट्स लेके आइए, और हैव अ गुड लाइफ, हैप्पी वैलेंटाइन डे. वैलेंटाइन डे. ओके सर, लास्टली क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस से जो देख रहे हैं आपको? हाँ, ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे सर जो देख रहे हैं सर जो भी सर? आई वुड लाइक टू से टू ऑल द पीपल आउट देयर दैट ऑपरेशन कोबरा इज कमिंग ऑन द 15th ऑफ फेब. यू नीड टू गो ऑन एरोस नाउ, सब्सक्राइब एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू वॉच इट ऑन 15th ऑफ फेब, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट. थैंक यू.